अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख कासिम और ये प्रोग्राम मेहमान कदरदान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये बहुत ही टैलेंटेड, चार्मिंग, स्टनिंग सुपर मॉडल ईमान अली की बहन है ये बंदी। आपका नाम रामा है, मैंने ठीक बोला कि रामा है के रामा है के रामा है क्या है? ये जैसा होता है ये रा जैसे वो होता है ना रा और माँ जो सबकी होती है, रा और माँ, ठीक है। और रामा अली के रामा आबिद, रामा अली आज हमारे साथ मौजूद है रामा अली। मेहरबानी, सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बहुत अच्छी। आप ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप जी। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मुझे लग रहा है शो में थोड़ी और ख़राब हो जाएगी, लेकिन मैं ठीक। तबीयत को क्या हुआ आपका? जुकाम खांसी तो आजकल सबको होती है जी, तो उसमें तबीयत क्यों खराब हो? जब बंदे को बुखार होता है तब तबीयत खराब होती है ना। बुखार के अलावा आपका ख्याल है कि कोई चीज बीमारी नहीं होती? नहीं, बुखार हो तो बंदे कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। वैसे अगर बुखार भी है जी, 102 बुखार है मुझे, खैर। ओहो, चले मैं दवाई मंगवा दूं। हाँ, यार दवाई, यार दवाई प्लीज। अच्छा, आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था A+ के ड्रामा सीरियल लिपस्टिक से, तो फिर उसके बाद आपने कोई ड्रामा क्यों नहीं किया? पहला सवाल आपका जो नाम है वो गलत है, ड्रामा था नेल पॉलिश। मेरा नाम शेख कासिम है, ड्रामे का नाम था नेल पॉलिश। चलिए वो एक ही बात है ना, लिपस्टिक नेल पॉलिश है वो। अच्छा, एक बात कैसे है लिपस्टिक, आपको पता है किसको कहते हैं? मेकअप की चीजें होती है? नहीं, मेकअप की तो बहुत सी चीजें होती हैं, लिपस्टिक किसको कहते हैं? वो जो आंखों पे लगाते हैं। हाँ, तो नेल पॉलिश वो होती है जो होंठों पे लगाते हैं। ओके, तो दोनों में फर्क है। ठीक। चले फिर आपने और क्यों नहीं कोई ड्रामा किया उसके बाद? मैंने सिर्फ 6 ड्रामे किए, लेकिन पता नहीं आपने मेरा ख्याल देखे नहीं ड्रामे। अच्छा, और कोई नाम बताएंगे आप प्लीज? चुपके से बाहर आ जाए। अच्छा, उसमें आप हैं? ओके। मुझे लगा था कि ना आपकी शक्ल की वो बंदी लग रही थी, मुझे शक था कि आप ही हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि आप लेजेंडरी एक्टर आबिद अली और फेमस एक्ट्रेस हुमैरा अली की बेटी हैं, तो लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, तो आप इन एक्सपेक्टेशंस पे कब पूरा उतरेंगी? हाय, आपको पैसे तो नहीं है किसी ने बेइज्जती करने की मेरी? नहीं। आपको जान की खुशी तो नहीं होगी, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे बहुत अच्छी तरह से पूरी उतर चुकी हूँ, और इंशाल्लाह आगे लेजेंडरी लगेगा मेरे नाम के साथ भी। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, अगर चोर की दाढ़ी ना हो फिर कहीं ना कहीं तो होगा तिनका, अगर वो बाल में फंसा होगा। जरूरी थोड़ी है, जेब में भी रख सकते हैं तिनका ही है। ओके, यानी उससे वो पहचाना जाएगा कि वो चोर। अच्छा, आपने एक स्टूडियो के लिए गाना गाया, गाना बहुत हिट हुआ, तो मैंने नोट किया कि उस स्टूडियो में, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सिंगर्स वो, उन्हें चांस नहीं मिला, मगर आपको एक नई बंदी होने के नाते चांस मिला, वो कैसे मिला प्लीज बताएं? वो जो स्टूडियो जो लोग कर रहे थे इस दफा, जो सीजन कर रहे थे। अगर लंबी स्टोरी है फिर ना विशाल, नहीं इतनी लंबी नहीं है, आपको जितना सवाल पूछने में टाइम लगता है उतने मुझे जवाब देने में लगता है। तो स्ट्रिंग्स के साथ मैंने फिल्म का गाना गाया है, मोर फिल्म आ रही है, एक वो गाना गाया पहले हमने। स्ट्रिंग्स वो जो गिटार के ऊपर होते हैं। आप इथोपिया से तो नहीं आए? स्ट्रिंग्स बैंड है एक, तो उन्होंने मुझसे फिल्म का गाना गवाया एक, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप स्टूडियो में भी गा लें। आप सिंगर थे जिमी जिनके साथ आपने गाना गाया, तो उन्होंने पहले कभी आपका गाना सुना था? नहीं। तो फिर उन्होंने कैसे हाँ किया आपके साथ गाना गाने? क्योंकि उनका गाना भी बहुत कम लोगों ने सुना हुआ था। मुझे बताएं, उस वीडियो मैंने वीडियो देखी हो, ठीक है, उस वीडियो मैंने नोट किया आपने शर्ट के नीचे सलवार पहनी है, वो क्यों पहनी थी आपने?
हाय अल्लाह, मेरे काम का क्या बनेगा है? वो सलवार नहीं थी, वो थी बॉक्स प्लीटेड पैंट्स, प्लाजो पैंट्स। प्लाजो आपको प्लाजे का पता होगा जो खड़े करते हैं, वो प्लाजो पैंट्स ठीक, प्लाजो बॉक्स प्लीटेड स्ट्रेट पैंट्स होती हैं, और वो हमारे एक बड़े अच्छे डिजाइनर हैं, सारी वार्डरोब उन्होंने की थी। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में फीमेल सिंगर्स बहुत कम है, मैंने मुझे एक पता है राबी पीरजादा है और एक आप है, तो इतनी कम क्यों है सिंगर्स? राबी पीरजादा जो है वो बहुत अच्छी सिंगर है, और हमारे पास एनी खालिद भी है, एनी भी ठीक है, और हमारे पास फरिया परवेज भी है, फरिया का भी नाम सुना है, और हमारे पास शबनम मजीद भी है, हमारे पास बहुत सी सिंगर्स हैं फीमेल, क्यू बी भी है हमारे पास। मैं जिनको नहीं जानता ना तो मुझे उनका नहीं पता। आप राबी को जानते हैं? सिर्फ मैं राबी को जानता हूँ। तो फिर मैं आपको नहीं जानती? आप वाकई नहीं, आप मतलब कह रहे हैं कि आपने फरिया परवेज का नाम नहीं लिया, आपने हुमैरा चन्ना का नाम नहीं लिया, आपने शबनम मजीद का नाम नहीं लिया, आपने क्यूबी का भी नाम नहीं लिया, आपने हदीका कियानी का नाम नहीं लिया, आपके राबी पीरजादा और मैं। मेरे जहन से निकल के ना मुझे जहन में वही याद। तो दवाई क्यों नहीं खाते जहन के लिए आपको? मैं वो डॉक्टर को दिखाया मैंने, डॉक्टर कहते हैं आराम आराम से ठीक होगा, ये एकदम नहीं ठीक हो सकता। मैं तो काफी देर से आपके कपड़े नोटिस कर रही हूँ, आप मुझे तो बड़ा पूछ रहे थे कि मैंने क्या पहना स्टूडियो में, आपने मतलब माशाल्लाह बेंच के अंदर जितने रंग है सारे पहन लिए। नहीं नहीं, ये 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 थोड़ा सा रह गया ये रंग, ये ना, नहीं नहीं कसम खुदा की बालों में ग्रीन, है वो रंग, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन आपके चेहरे पे है और पिंक आपके बालों में है। भाई छोटा आपके साथ आया है, क्या सीन है? नहीं नहीं भाई नहीं, ये मेरा ये अच्छा ये वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। जाहिर है इंसान तो हो नहीं सकते आपके दोस्त। अच्छा खैर, अगला सवाल। अच्छा चले इसी के साथ हम एक राउंड खेलते, ठीक है? उसका नाम है रैपिड फायर राउंड। ओके, मैं एक लफ्ज बोलूंगा, आपके जहन में वो लफ्ज सुन के कुछ भी आएगा ना आपने फौरन बोल देना। आप भी फौरन ही बोलिएगा। हाँ जी। लाडली। मैं। चिपकली। नफरत। शर्मीली। मुश्किल। चमेली का तेल। शुरली। आप। मुरली। आप ही। काली। टाइले। माली। ये क्या है? खुद लिखा है कि किसी से लिखवाया स्क्रिप्ट? खुद लिखा है ना तभी। माली, माली क्या? माली क्या? माली को क्या? माली क्या? माली को सोच के आपके जहन क्या? मेरे माली को सोच के मेरे जहन में क्या आता होगा? फूल, फूल पौधे। फूल पौधे। हाँ जी, फूल। चले साली। ये आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं कि शो कर रहे हैं? नहीं नहीं प्लीज। घर वाली। काम वाली। आपकी किस्मत में। खाली। यार कोई ले जाए आके मुझे यहाँ से। चले एक चले। नहीं नहीं, एक को मसला है तो बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं राउंड को छोड़े आप। नहीं, नहीं। आपको कोई ज़हनी तवाज़ुन जो आपका खराब है उसके बारे में बात कर लेते हैं, शोर बाद में कर लेंगे। मैंने डॉक्टर से बात की हुई है। डॉक्टर नहीं आपका इलाज कर सकता, मुश्किल है। चले वो छोड़े, अच्छी बात कोई कर लेते हैं। अच्छा आप ना किसी और को बुला लें फिर अपनी जगह। नहीं बात तो है कोई कोई नहीं, नहीं, को होस्ट मैं तो ये मेरा को होस्ट है, इसका नाम है पालू, बोलता नहीं है ठीक है, मगर ना मैं मेरा जब दिल चाहे ये देखे ये देखे ये देखे ये अपनी ना जुबान खुद बोलते ये देखे ये क्या लिखा है पढ़े सर। मैं पागल हूँ, मैं पढ़ लू, आपने खुश हो जाना। नहीं नहीं, मुझे लगा आपको इंग्लिश टेस्ट कर रहा हूँ आपका, इंग्लिश टेस्ट आप पढ़। आई लव यू। अच्छा अगला सवाल पूछे। मैं आपके कुछ दोस्तों को उधर जो आपके साथ पढ़ते थे उनको मैं कुछ को जानता हूँ, सबकी ऐसे मोस्टलियों की शादियां भी होगी और दो दो मोस्टलियों क्या होता है, यानी ज्यादातर की शादियां होगी और उनके दो दो बच्चे भी हो गए, तो आपकी शादी कब होगी? किसके बच्चे हो गए दो? आपके मेरे बैच के नहीं, मुझसे सीनियर्स थे, बहुत सीनियर थे जो उनकी शादी। चले उनकी शादी होगी, आपकी क्यों नहीं अभी तक हुई? होने वाली है अनकरीब। आप वेट नहीं करी आपकी बहन की पहले हो जाए फिर आपकी हो? बेहतर तो यही है कि पहले बड़ी बहन की हो जाए। तो उनकी कब होगी? मैं पता नहीं, रुलाएंगे क्या आप मुझे? मुझे वैसे ना ईमान अली बहुत पसंद थी मैं ना, नहीं लेकिन आपका कोई चांस नहीं है। कतरीना के आपसे पहले उन्हें बहुत पसंद करता था। शुक्र है कि आपको अब कतरीना पसंद है, आप उन पर ट्राई करें जाके, ईमान की इंशाल्लाह शादी हो जाएगी जल्दी। मेरी उनके साथ दोस्ती कराएंगे प्लीज आप? किसके साथ? ईमान अली के साथ। क्यों? ऐसी वजह
नसीब नहीं वजह मैं कभी नहीं उनसे मिला ना तो बहुत से लोग नहीं मिले मैं सबको घर ले जाऊँ आप बुराई मना रही हैं पता नहीं बुराई नहीं मैं मना रही मैं बुरा मना रही हूँ अच्छा मुझे पता है आपको कभी तकलीफ होती है कि क्लास का कोई बंदा ठीक है वो क्लास में नलायक हो मगर आगे जाके वो बहुत आगे निकल जाए मसला मुझे क्यों होगा मैं पैसे देने नहीं होना मुझे क्यों मसला होगा कोई नहीं मुझे क्यों मसला होगा मुझे होता है ना आप नहीं आज बैठे शो होस्ट कर रहे बनता आपका है घर से आप बाहर ना निकले आप शो होस्ट कर रहे हैं ना बैठ तो फिर अल्लाह ने जिसको देना है उसको दे देना है अच्छा एक बात मुझे बताए मैंने नोट किया कि मैं आपसे पहली दफा मिला तो मैंने नोट किया कि आपकी ना आंखें कुदरती इतनी बड़ी हैं आपने ऑपरेशन कराया आपको देख के बड़ी हुई है हैरानी से वैसे आप इतनी देर से मुझे देख रही हैं तो मैंने ये सुना था कि कोई बंदा ज्यादा देर किसी को देखे उससे उसको उससे प्यार हो जाता है या फिर बहुत ही गुस्सा आ जाता है जो कि मुझे आ रही है मेरे सामने से हटा दे अच्छा कभी आपने प्यार में धोखा खाया रायते के साथ खाया के बगैर रायते के रायता से मेरा गला खराब हो जाता अच्छा आपकी वैसे ना मैंने नोट किया शक्ल ना डोरा से बहुत मिलती है वो जो डोरा दी एक्सप्लोरर है आपकी बहन तो नहीं है वो नहीं वो मेरी बहन ही है लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की आई विल टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट शी इज अ वेरी क्यूट कैरेक्टर फेसबुक पे आप ना बहुत लिखती हैं जब भी आप कराची से लाहौर आती हैं या लाहौर से कराची जा रही होती हैं तो आप ये क्यों लिखती हैं आपने 9 सितंबर को लिखा था आई एम इन लाहौरी फीलिंग क्रेजी और सितंबर 16 को लिखा था बैक इन कराची और सितंबर 29 को लिखा था ओ हाँ मैं लाहौर में हूँ क्यों लिखती हैं आप इतना ध्यान क्यों देते मैं जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको ऐड तो नहीं किया नहीं, 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 आपने तो नहीं आप किया। नहीं तो फिर आप होते कौन है मेरी प्रोफाइल पे ऐसे स्टॉक करने वाले पहले आप ये बताएं फिर मैं आपको जवाब दूंगी आपने Why did you stalk my profile? आपने ओपन रखा हुआ है ना आपने वो ना एक बटन होता है उसको होता है कि आप पब्लिक प्रोफाइल है ना सेलिब्रिटीज को रखनी पड़ती है पब्लिक प्रोफाइल आपको आई एम श्योर इस बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा लेकिन वो जो आई मीन लाहौर था वो इसलिए था कि लाहौर मेरा शहर है लाहौर में मैं पैदा हुई हूँ मैं बचपन से लाहौर में रही हूँ काम के लिए मुझे कराची जाना पड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में काम कम हो गया बिकॉज सब कुछ कराची मूव हो गया बिकॉज सारे हेड ऑफिस वहाँ पे हैं चैनल्स के सारा काम वहाँ पे है तो वो ई इसलिए था कि मैं कोई 2 साल बाद अपने शहर में वापस आई थी तो लाहौर से 2 साल दूर रहने के बाद इतना स्टेटस तो बनता है मेरा ये सवाल है कि फिर वो वापस जाने का बताना इसलिए होता है क्योंकि शूट्स होती हैं वहाँ पे तो जब आप आते हैं तो फिर आप वापस जाके बता देते हैं दैट यस आई एम बैक यू नो आप लोगों को बताते हैं कि आई एम बैक ठीक हम जैसे तो लोगों से लोग मिलते हैं ना लोग मिलना चाहते हैं जानना चाहते हैं आपको कोई मुंह नहीं लगाता इसलिए आपको इस बात का पता नहीं है हम कहीं आते जाते हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि फिर उन्हें पता हो कि हम आ गए या हम चले गए यानी कि किसी ने आपके वो नीचे कमेंट नहीं किया कि सो व्हाट नहीं क्योंकि सबको पता था कि सो व्हाट मैंने सुने आके आपको बचपन से हॉस्पिटल में एडमिट होने का बहुत शौक था हाँ ये भी आपने मेरे प्रोफाइल से ही देखा है था हमेशा अभी भी है लेकिन मैं एडमिट हुई नहीं कभी भी क्यों अच्छा लगता है मुझे हॉस्पिटल अच्छा लगता है हाँ किसको हॉस्पिटल पसंद मुझे अच्छा लगता है मुझे हॉस्पिटल के कमरे में लेट के वो करवाना अच्छा लगता है अपना ख्याल रखवाना लेकिन हुआ नहीं कभी चल मैं हेल्प कर दूं आपकी मैं एक कॉल करूंगा आपको ना हॉस्पिटल वाले खुद ही उठा के ले जाएंगे आपको नहीं लेके गए अभी तक वो मुझे कैसे लेके जाएंगे